हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं रेसिपी लेकर आई हूँ शाही वेज बिरयानी की। लंच में इंजॉय कीजिए, बहुत मज़ेदार लगती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक मिक्सिंग बाउल में 2 कप बासमती राइस ले लें। बासमती राइस को पहले अच्छे से धो लें, 2 से 3 बार धोएं, क्योंकि इसमें पॉलिश और जो डर्ट होता है वो अच्छे से निकल जाए। राइस को धोने के बाद उसे साफ पानी में 30 मिनट के लिए सोख करने के लिए रख दें। 30 मिनट में ये देखिए काफ़ी फूल गया है राइस। अब इसका पानी निकाल दें और एक साइड रख दें। वेज बिरयानी में डालने के लिए हमने कुछ सब्जियां ली हैं, उन्हें हम अपने मनपसंद साइजेस में काट लेंगे। इसमें मैंने 2 कैरेट, 2 पोटैटोज, 10 से 15 बीन्स, 1 स्मॉल फूल गोभी और 1 कप मटर लिया है। आप अपनी मनपसंद से सब्जियाँ ले सकते हैं। अब गैस पर एक गहरा वेसल ले लें, 2 बड़े चम्मच कुकिंग ऑयल ऐड कर दें। जैसे ही वो हल्का सा गर्म हो जाए उसमें 1 छोटी चम्मच जीरा डाल दें। जीरे को थोड़ा सा कड़कने दें, उसके साथ ही उसमें ऐड कर दें 2 मीडियम साइज़ की चॉप्ड अनियन। अनियन को भी हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने तक भून लें ताकि उनका कच्चापन निकल जाए। अब उसमें ऐड कर दें 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, उसको भी अच्छे से भून लें ताकि उसका कच्चापन निकल जाए। 1 मिनट तक भूनें। अब इसमें सारी कटी हुई सब्जियों को ऐड कर दें। सारी सब्जियां ऐड कर दी हैं हमने। अब 1 से 2 मिनट इन्हें ऑयल में भून लेंगे। ये देखिए हल्की सी गोल्डन दिखने लगी हैं। अब इसमें हम ऐड कर देंगे कुछ मसाले, जिनमें हमने लिया है 1 टीस्पून टर्मरिक पाउडर, 1 टेबल स्पून कोरिएंडर पाउडर, 1.5 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट लें फ्रेंड्स, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 6 से 7 हरी मिर्चें डालकर अच्छे से मिक्स कर लें मसालों में। जब वो मसाले में अच्छे से मिक्स हो जाए 2 से 3 मिनट और भून जाए, उसके बाद उसमें 3 मीडियम साइज़ के टमाटो को रफली चॉप करके डालें। अच्छे से मिक्स कर दें। अब इसमें हम ऐड कर देंगे पानी। यहाँ पे हमने 1.5 लीटर पानी ऐड किया है, आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। बासमती राइस में क्योंकि हमने उसे पानी में भी फुलाया है तो कम ही पानी जाता है। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें बॉयल आने दें। जब पानी में बॉयल आने लगेगा तो हम जितने भी हमने बासमती राइस सोक करके रखे थे उन्हें हम इसमें ऐड कर देंगे। चावलों को अच्छे से हल्के हाथों से चलाते हुए मिक्स कर दें। बासमती राइस है, हल्के हाथों से चलाएंगे, बहुत ज़्यादा नहीं चलाना है। मिक्स करने के बाद हल्का सा एक और बॉयल आने दें। ये देखिए जैसे ही बॉयल आना शुरू हो जाएगा हम इसे 10 से 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पर ढककर पकाएंगे। हम इसमें 200 ग्राम पनीर भी ऐड कर रहे हैं, तो इसे क्यूब्स में काट लें। छोटे या बड़े आप अपनी चॉइस से काट सकते हैं। अब इसको थोड़ा सा मैरिनेट करेंगे, जिसके लिए हम इसे मिक्सिंग बाउल में ट्रांसफ़र कर देंगे। इसमें ऐड कर दें 1/2 टीस्पून सॉल्ट, 1/2 टीस्पून टर्मरिक पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1 टेबल स्पून चॉप्ड कोरिएंडर। इसको अच्छे से मिक्स कर दें पनीर में। इसकी कोटिंग से पनीर बहुत अच्छा दिखता है और उसमें एक फ्लेवर आ जाता है जो बहुत ही मज़ेदार लगता है। अब एक पैन ले लें गैस पे मीडियम फ्लेम पर, उसमें 1 टीस्पून ऑयल ऐड कर दें। अब पनीर को इसमें फ्राई कर लें जब तक कि वो हल्का गोल्डन ना हो जाए। ये देखिए कितनी अच्छी मसाले की कोटिंग हुई है पनीर पर। इसको पलट कर अच्छे से भून लें। ये देखिए हल्की गोल्डन कलर की इस पर एक परत बन गई है, बस इसे एक साइड रख देंगे। तो
10 से 15 मिनट हो चुके हैं हमारी वेज बिरयानी को बनते हुए। ये देखिए हम चावल देखेंगे पूरी तरह से गले हुए लग रहे हैं, पानी पूरी तरह से खुश्क हो चुका है। फ्रेंड्स बहुत ही टेस्टी लग रही है। अब इसमें ऐड कर दें 1/2 टीस्पून गरम मसाला, थोड़ा सा चॉप्ड कोरिएंडर लीव्स, 1 टीस्पून केवड़ा वाटर है जो ऑप्शनल है, आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है। अब इसमें रोस्टेड पनीर को भी ऐड कर देंगे। अच्छे से फ्लेवर आ जाए राइस में सारे मसालों का, केवड़ा वाटर का, तो इसे हम 5 मिनट दम के लिए रख देंगे। इसके बाद इसे गर्मा गर्म सर्व करें। बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार शाही वेज बिरयानी बनकर तैयार हुई है फ्रेंड्स। इसे टमाटर की चटनी और दही के रायते के साथ सर्व करें, बहुत ही टेस्टी लगती है। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।